नमस्कार भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों। यह सिंपथी वो होता है जो आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल फीलिंग एस्पेशली देयर प्रॉब्लम, मतलब दूसरों का दुख दर्द और मुश्किल हालात और कठिनाई समझना, उसको कहते हैं सिंपथी। जैसे अभी जो ऑल ओवर इंडिया में जो हालात है ड्यू टू पेंडेमिक एंड ड्यू टू कोरोना वायरस, उससे आप में से कुछ लोग तकलीफ़ में होंगे, और तकलीफ़ में होंगे और आपके जो दोस्त हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, आपका हाल चाल पूछेंगे और कि कैसे हैं, कि कैसा है भाई, कैसे है सब, आपको फ़ोन करके पूछेंगे कि कैसा है भाई, वो कहलाती है सिंपथी। दोस्तों आपने देखा होगा कि गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से, या किसी भी हालात में आप ये कह सको कि तू मेरा दर्द नहीं समझता, तू होता कौन, मेरा दर्द समझने वाला फलाना ढिमकाना, तो वो होता है एम्पथी। आपको वो डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ। द एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अदर्स पीपल अदर पर्सन इज फीलिंग एंड सो अंडरस्टैंड हिज और हर मूड। मतलब वही है यार, आप रिलेशनशिप में हो और आप अपने पार्टनर की प्रॉब्लम समझ रहे हो बाय आस्किंग है भाई कैसा है तू, बहन कैसी है तू, बेबी कैसी हो आप, या मम्मी कैसी हो आप। और जैसे मम्मी ने बोला कि मैं ठीक हूँ तो आप ठीक हो, जैसे मम्मी ने बोला मैं खराब हूँ तो आप भी आपका मन हो जाएगा ना मायूस। और तो जैसे ही आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि यार पता नहीं यार नींद आती है नहीं भी आती है, तो आप वो सिनेरियो पे, वो एरिना पे, वो सिचुएशन पे पहुंच जाते हो, उसे कहते हैं एम्पथी। दोस्तों मान लो आपकी फाइट होगी किसी से और वो आपसे बात भी नहीं करता 6 महीने, 1 साल, 10 दिन तक बात ही नहीं करता, तो आपका सिर्फ एक रिप्लाई होगा, सिर्फ एक सिंगल रिप्लाई होगा। उस रिप्लाई के बाद वो आपको पता नहीं बात करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उस पे आपका नज़रिया बदल जाएगा। रिप्लाई है आई अंडरस्टैंड हाउ यू आर फीलिंग। तो आपने कुछ लोगों ने तो टाइटैनिक देखी होगी, नहीं देखी अभी तक, नहीं देखी कोई बात नहीं। टाइटैनिक में एक डायलॉग था कि नहीं वो वाला नहीं, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, नहीं वो वाला कि आई जंप यू जंप, ये एक एम्पथी का फेस है, मतलब तू खुद मैं खुद, मैं खुद हूँ। और एम्पथी का एक ये भी फेस है कि आई फील हाउ यू फील, मतलब मेरे को महसूस होता है कि तेरे को कैसा लग रहा है। मान लो एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपको दोस्त ने बताया कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, तो आप भी आपके चेहरे में भी खुशी आ जाती है ना। मान लो कि आपके दोस्तों ने बताया कि भाई आज पंगा हो गया यार, ये हो गया, फलाना ढिमकाना हो गया, फिर आप मायूस हो जाते हो और मतलब बुरी बुरी चीज़ें आ जाती है आपके चेहरे में, तो वो होता है हाउ आई फील हाउ यू फील। ये होता है हाल चाल पूछना, और एम्पथी होता है हाल चाल, सामने वाले हाल चाल को महसूस करना, कि जैसे आप किसी लड़के को या अपने दादा दादू को ग्रीट कर रहे हो कि गुड मॉर्निंग दादू, हाउ आर यू, तो सामने से क्या रिप्लाई आएगा, फाइन थैंक यू, तो आपका भी मन, आपका भी डे हो गया हो जाता है ना फाइन, तो आपका भी दिल लगता है कि हाँ यार आज का दिन फाइन अच्छा जाएगा, दादू ने रिप्लाई दिया पहली बार, तो ये है फाइन रिप्लाई है एम्पथी, क्वेश्चनिंग है सिंपथी, तो ये है सिंपथी, ये है एम्पथी। सिंपथी है क्वेश्चन, एम्पथी है ये आंसर। कह रहा हूँ कि किसी भी राह चलते वाले को आप सिंपथी दिखाओ, क्वेश्चन करो कि भाई तू कैसा है और भाई कैसा है, ये नहीं कह रहा हूँ,
यार सिंपली दिखाना अच्छी बात है, लेकिन अगर माहौल गर्म हो, जैसे बंदा गर्म हो, जैसे बंदा गुस्से में हो, तो दिखाना मतलब तो दिखाना गलत गलत हो सकता है, गलत हो सकता है, क्योंकि बंदा भड़क सकता है और आपको बदले में कुछ कह सकता है, कुछ कह सकता है। तो इसलिए सिंपैथी का भी एक करेक्ट टाइम होता है, करेक्ट टाइम पे सिंपैथी दिखाओ तो सिंपैथी मिलेगी, गलत टाइम पे सिंपैथी दिखाओगे तो सामने वाला क्या करेगा, गाली देगा, ठीक है, आपको कुछ कर देगा। आप चाहते हो अगर आपको कुछ हो तो आपके ऊपर है, आप करवा लो, मैं नहीं कह रहा हूँ करवाओ करवाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ऊपर है कि करवाना है करवाओ, नहीं करवाना ना करवाओ। तो यार सिंपथी मौका देख के भी आती है, बस आपको मौका देख के हाथ चाल पूछना चाहिए कि भाई क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों है ऐसा। अगर सामने वाले का मूड ही नहीं है सिंपथी लेने का देने का, तो वहाँ से कट लो। कि सिंपथी एम्पथी से क्या होगा तो मैं बताता हूँ भाई, क्या होगा यार, प्यार बढ़ेगा और आपकी फैमिली भी बढ़ सकती है, नॉट एज इन रिलेशनशिप, नॉट एज इन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, नॉट एज इन कोई आपकी शादी हो सकती है ना, ऐसी सोच बिल्कुल नहीं रखनी। टाइम होगा बन जाएगी, टाइम नहीं होगा तो फिर भी बन जाएगी यार। और ऊपर वाला बैठा है ना, ऊपर वाला बैठा है, वो कर देगा आपके लिए, या किसी ना किसी के लिए। तो एक मिनट छोड़ दो ये सोचना, और यार सिंपैथी गेन करने से दिल भरा होता है, सामने वाले का भी आपका भी, और मन हल्का होता है आपका भी सामने वाले का भी। और एम्पैथी देने से और लेने से तो मन का यार ऐसा है कि डामाडोल होता रहता है, तो मन कभी सैड है, कभी हाई है, कभी लो है, कभी डाउन है, कभी अप है, कभी कभी है ही नहीं मन। जैसे अपने स्टूडेंट्स में सुना होगा कि यार आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, कुछ करा दे, चल पार्टी करते हैं, तो ये होता है लो मन का। और हाई मन का, भाई यार तेरा भाई टॉप मारेगा, आज तेरे भाई का एग्ज़ाम है, आज तेरे भाई का मैथ्स का एग्ज़ाम है, तेरा भाई टॉप मारेगा। तो ये होता है हाई हाई मन, मतलब मन का जो लेवल है वो हाई है, और सिंपथी का भी लेवल हाई लो ऊपर नीचे डाउन, कभी कभी है ही नहीं, कभी कभी दिमाग गर्म होता है। तो सिंपथी दिखाओ, एम्पथी दिखाओ, लो भी, लेकिन यार दिल भरा होता है, दिल भरा होता है, और सामने वाले का भी दिल भरा होता है, और जो दे रहा है उसका भी दिल भरा होता है, जो ले रहा है उसका भी दिल भरा होता है, और जो वहाँ पे है, जो ये सब देख रहा है उसका भी दिल भरा होता है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, रखते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाना करिए।